टॉपिक सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ स्टार्ट में जाऊँगा, यहाँ से पूछा वर्ड अगर मैंने जब इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास मिनट वर्ड आ रहा है, अगर सिस्टम में यहाँ वर्ड लिखने का नहीं आता तो इसका मतलब उसमें एस एस वर्ड इंस्टॉल। आप अगर उसको डेस्कटॉप पर रखना चाहें तो आप उसको डेस्कटॉप पर रख सकते हैं, वर्ड यहाँ राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन पर जाएँ, आपके पास ये एम एस वर्ड आ जाएगा, आप यहाँ क्लिक करें आपके पास सबसे पहले जब भी ओपन होता है आपके पास ये पेन पे जा गया, उसके अंदर कुछ फाइल होती है, रिसेंट फाइल जो आपने पहले ओपन की हुई है, अगर कुछ पहले ओपन नहीं किया तो ये खाली है। इन पर जाएंगे, न्यू पेज बना देंगे, वरना यहाँ ब्लैंक पेज दिया ब्लैंक पेज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो कुछ यहाँ पर टेम्पलेट ऑलरेडी मौजूद है, आप कुछ ट्रांसफर टेम्पलेट को लेकर बना सकते हैं, आप न्यू पर करेंगे क्लिक करेंगे तो न्यू ओपन हो जाएगा। अगर कुछ फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर बड़ी ओपन करनी है तो आप ओपन पर जाएंगे, उस फाइल की लोकेशन पे जाएंगे, वो फाइल कहाँ पर है, जहाँ पर उसकी लोकेशन है, जो फाइल आप क्लिक करेंगे वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अभी हम व्यू पर जाएंगे और ये ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, जब भी ओपन हुआ मेरे सामने एक बिल्कुल स्क्रीन आ गई जिसके ऊपर मैं देख सकता हूँ, सबसे पहले तो यही मेरा टाइटल पा रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल है, कुछ चीज़ें हैं केस वगैरह के हवाले से, बैक जाने के हवाले से, फिर मेरे पास ये वाला जो सेशन शुरू होता है ये इसका इसको मैं बोलता हूँ रिबन। क्या कहता हूँ रिबन के अंदर मेरे पास कुछ टैब्स मौजूद हैं, हर टैब के अंदर टैब, ये पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हर टैब के अंदर कुछ कमांड्स हैं, कुछ ऑप्शन हैं। कमांड क्या है, जैसे मैं उसे क्लिक करता हूँ तो कुछ ना कुछ असर दिखाएंगे, वो उसको यूज करते हुए मैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम करूँगा। तो मैं चीज पहला टाइटल बार आ गया, ठीक है, टाइटल बार रिबन बार बोलूँगा, और इसी के साथ ये रिबन है मेरे पास, क्या है ये रिबन आ गया। इस रिबन के अंदर कुछ मेरे पास क्या है, टैब्स है, ये जो ये दिए हुए टैब्स, इन टैब्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स मौजूद है। जैसे अगर मुझे कुछ लिखना है तो मेरे पास टैब क्लियर आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ जो चीजें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जो कुछ नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ चीजें, ताकि वो भी हमारे पास जल्दी दिखे। ये आ गया, उसी के साथ इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, उसी के साथ इसको कलरिंग दे सकता हूँ, तो इसी के साथ इसके अंदर यहाँ कलरिंग है मेरे पास, मैं इसको कोई कलर देना चाहूँ, यहाँ पे इसको कलर दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी स्टेप बैक जाना है तो कंट्रोल जेड दबाऊंगा वो बैक चला जाएगा, ये नहीं आता मैं मसला, ठीक है, आ जाते हैं फिर उसके साथ। यहाँ छोटी छोटी चीजें मेरे पास साइज कम और ज्यादा करने के लिए यही चीज है, वो स्टेप जो वहाँ से हो रहा था वो यहाँ से हो रहा है। फिर मेरे पास ऊपर सेंटर, लोअर सेंटर, अगर मैंने इसे पेज को चेक किया इसको कर देता हूँ, लोअर सेंटर तो सारे छोटे हो गए, स्मॉल ए बी सी, अपर चेक करता हूँ सब कैपिटल ए बी सी डी में आ गए। फिर मैं इसको टॉगल करता हूँ तो पहला वर्ड बड़ा आना चाहिए और बाकी सारे छोटे कर दिए। फिर उसके बाद पीछे आता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, थोड़ी और डिटेल है ये रहा नंबर किस टाइप का हो, इसके अंदर कुछ डिटेल है, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ये डिजाइन हो, ये डिजाइन हो, मल्टीपल इस तरह के डिजाइन हो रहा, ठीक है भाई, या तो कोई मसला लिख लो, ठीक है। ये साइड पर फिर का बॉर्डर देने के लिए, लाइनिंग देने के लिए बॉर्डर किस तरफ देना है, और टॉप पर देना है, लेफ्ट पर देना है, राइट पर देना है, टॉप बॉर्डर सारी तरीके से इसमें बता दिया, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, इस तरीके से उसको बॉर्डर में वो पैक कर देगा, क्लियर है यहाँ तक।
स्टाइल के अंदर आ जाऊँ, कुछ स्टाइल में राइटिंग है, अच्छा इसी तरह यहाँ पर भी कुछ राइटिंग के फॉन्ट है, फॉन्ट साइजिंग है, फॉन्ट का स्टाइलिंग है, ये इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइलिंग मुझे मिलता है, जैसे ये आ गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मुझे फॉन्ट स्टाइलिंग बनाना होगा। ये भी डजन आ गए मेरे पास, ठीक है। टेक्स्ट हाईलाइटर तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ इसको तो मैंने हाईलाइट करना है, कलर की अपनी मर्जी की सिलेक्ट करता हूँ। ओके अंदर मेरे पास ये सब है, इंसर्ट में जाता हूँ तो मेरे पास इंसर्ट में कुछ चीज़ें हैं, पेजेस हैं, ठीक है, पेज कवर पेजेस आ गए थोड़े से, फिर ब्लैंक पेज एड करना चाहूँ वो है, पेज को ब्रेक करना चाहूँ दो पेजेस कराना चाहूँ वो है, फिर टेबल है जिसके अंदर मेरे पास करा हुआ है, फिर मेरे पास टेबल है, टेबल में ये रॉ और कॉलम है, ये एक रॉ एक कॉलम, ये दो रॉ दो कॉलम एक रॉ, तीन कॉलम एक रॉ, तीन कॉलम दो रॉ, ठीक है। इस तरीके से रॉ और कॉलम सेट करके मैं अपना टेबल बना देता हूँ, हो गया। अब जब भी मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ टेबल का फॉर्मेट खुल गया मेरे पास, कुछ टेप ऐसे हैं हिडन टेप, हिडन टेप का मतलब वो सामने नहीं आते, जब मैं किसी कंटेंट पे किसी चीज पे क्लिक करता हूँ तभी वो नजर आता है। जैसे मुझे टेबल नहीं है तो यहाँ टेबल नहीं, जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया अब मेरे पास टेबल की स्क्रिप्ट आ गई, टेबल डिजाइन आ गया, क्योंकि अपने टेबल डिजाइन पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट टेबल के डिजाइन है फिर वो सिलेक्ट कर, क्लियर है यहाँ पर आगे करते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम में मेरे पास पिक्चर है, पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, जिस डिवाइस पर जाऊँगा यहाँ जाके कोई भी एक पिक्चर उठाऊँ पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई, इस पिक्चर के अंदर यहाँ ऑप्शन है मुझे पिक्चर कहाँ रखनी है, साइज पर रखनी है, पिक्चर के दरमियान में भी आएगा, ठीक है, पिक्चर ऊपर हो जाएगी, ये रहा एक ये ऑप्शन है, एक ये है उसके अंदर ये दिया ज़्यादा यूज होने वाला, ये किस तरीके से यूज होगा भाई, इस तरीके से यूज होगा कि अगर मैं इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जब मैं कोई चीज़ लिखूंगा तो क्या होगी ये टेक्स्ट के पीछे भी आ सकता हूँ, रैंडम कुछ लिखने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखूंगी, रिक्वेस्ट भी दबाऊंगा मैं, आर ए एन डी लिखूंगा, एक फॉर्मूला है टू लिखता हूँ तो ये दो पैराग्राफ रैंडम मुझे जनरेट कर देगी, आर ए एन डी करता हूँ दो पैराग्राफ रैंडम जनरेट करके दे देगा। अब मैं पिक्चर पर आता हूँ तो ये इसकी क्या आ रही है, बैकग्राउंड पर आ रही है, क्लियर है, तो मसला यहाँ पर इसके अंदर से ये इंसर्ट के अंदर थोड़ी सी शेप्स हैं, शेप्स इंसर्ट करनी हो मुझे, फिर थ्री डी मॉडल से कुछ वो इंसर्ट करनी हो, फिर मेरे पास स्क्रीन क्लिपिंग है, स्क्रीन क्लिपिंग क्या है भाई, स्क्रीन शॉट है, मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करता हूँ मेरे पास सामने जो इसके बाद वाली स्क्रीन होगी, जो चीज़ मैंने इस टैब के बाद फॉर्मेट खुली होगी वो मेरे सामने आ रही है, तो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इतना भी इसका सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट स्क्रीन पिक्चर लेकर उसका स्क्रीन शॉट लेकर मेरे सामने आ जाएगा, मुझे जो चीज चाहिए वो मैं टेप इसके बिल्कुल बैक पे खोल दूंगा, जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं इसके बैक पे ये खोल कर और डाल गया वर्ड, ठीक है वर्ड आ गया। अब मैं स्क्रीन क्लिपिंग पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ तो फौरन से मुझे इसके बैक पे जो स्क्रीन है वो दे दूंगा, इसका स्क्रीन पर ना पता क्लियर है। इस साइड में इसके साथ छोटी छोटी और चीज़ें हैं वो है चार्ट वगैरह मेरे पास, फिर आगे ये लिंक्स है, कुछ लिंक्स लगाने बताए थे बच्चों को कि लिंक जब आपने कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक लगाना हो वो लगा सकते हो बनकर, फिर एक हेडर का पार्ट है, एक फुटर का पार्ट है, हेडर हेड के अंदर कोई चीज़ आपने डाली हो, हेडर किस टाइप का हो, किस टाइप का हो, सिंगल हो, ठीक है, और ट्रिपल वाला हो, इस तरीके से हो, हेडर क्या करेगा जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो हेडर को लाइव करके मुझे सामने दिखा दूंगा, इसलिए ये पुरानी चीज़ें इस पर जल्दी ही बता रहा हूँ बच्चों को रिपीट कर। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट के बाद अभी हमारा पार्ट चल रहा है डिजाइन, डिजाइन के टेप पर मैं आता हूँ तो डिजाइन के सबसे मेरे पहले मेरे पास कुछ थीम्स पड़ी हुई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर मैं अगर लिखता हूँ तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स दे देगा उस हिसाब से, ये रहा कुछ पैराग्राफ टाइटल, अगर मैं यहाँ करता हूँ एक हेडिंग डालता हूँ ये मेरे पास आ गई,
इसका साइज बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो बटन है वो यूज करूंगा, लेस देन और ग्रेटर देन वाला बटन। मैंने ये यूज किया, इसका साइज बड़ा हो गया, ये कटिंग के तौर पर आ गया। और अब मैं इसका साइज कम करता हूँ और यहाँ एक रैंडम पैराग्राफ बनाता हूँ। और पैराग्राफ दे देता हूँ, मेरे पास पैराग्राफ आ गए, सेलेक्ट करता हूँ, पे जाता हूँ, कोई भी थीम अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करता हूँ। देखो पीछे मूवमेंट बता रही है किस हिसाब से हो रहा है। और यहाँ पर आता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है थीम को ये देता जा रहा है मुझे, किस टाइप की थीम चाहिए वो वन बाय वन थीम को यहाँ अप्लाई करना जरूरी कर देगा। कलरिंग वगैरह नहीं देगा, कलरिंग आपको उसको देनी पड़ेगी, वो सिर्फ थीम में स्टाइलिंग देगा कि किस टाइप की स्टाइलिंग वापस होगी। उसके बाद फिर फॉन्ट का कलरिंग है वो आप यहाँ पर खुद सेट करेंगे, फिर फॉन्ट की स्टाइलिंग है, फॉन्ट का ग्रिड है, ये स्टाइलिंग हम जो यहाँ से दे रहे हैं ये वाला काम हम यहाँ से कर सकते हैं। होम पर जाएं, इसको सिलेक्ट करें, जो कलरिंग जो स्टाइल यहाँ पर दिया गया सेम यही चीज यहाँ डिजाइन के अंदर दिया, ठीक है, याद रखना। इसके बाद मेरे पास एक और चीज़ है, ये भी मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ाई हुई है, इसलिए यहाँ दोबारा रिपीट किया है कि ये क्या करेगा, पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग का काम करेगा। दो पैराग्राफ स्पेस देखिए आप पहले ऐसा था, स्पेस बिल्कुल खत्म कर देते हैं, स्पेस खत्म हो गई, स्पेस बढ़ गई और ज़्यादा ये देखते हैं डबल स्पेस, ठीक है। कस्टमाइज में जाओगे आप अपनी मर्जी से इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसके अंदर गैप बढ़ा सकते हो जितना ज़्यादा, यहाँ नंबर लिखने में आप जितना ज़्यादा इसका गैप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा उसके अंदर गैप आता है, ठीक है। फिर आगे चलते थोड़ा सा, अच्छा वाटर मार्क पर आता हूँ। वाटर मार्क क्या चीज़ है, इसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल मैंने लिखा इसके पीछे पेपर पर एक वाटर मार्क, ठीक है भाई। अगर मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी का कोई कुछ वाटर मार्क कहते हैं जो मैंने लिखा डू नॉट कॉपी, ये पीछे के अंदर लिखा हुआ है, अच्छा इस स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल लाइट है वहाँ देख के आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल लाइट के कलर में होता है, ठीक है। उसके अंदर नजर आ रहा होगा, अगर आप ये अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ आए, ठीक है। कस्टम वाटर मार्क यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हैं, ओके करता हूँ। अब यहाँ देखो पीछे की तरफ क्या लिखा हुआ है, वाटर मार्क सुपर कंप्यूटर, वहाँ पर आप देखने का आनंद आए, ठीक है। ये वाटर मार्क आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर आता हूँ, मैं डिजाइन के अंदर एक पेज को कलरिंग देने का रखता हूँ, मैं अपने पेज को कलरिंग दे सकता हूँ, अब नजर आ रहा होगा, ठीक है। पेज को मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया, जो कलर में देना चाहूँ आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर यार बॉर्डर आता है, पेज को मैं बॉर्डर किस तरह का देना चाहता हूँ, बॉक्स देना चाहता हूँ, शैडो में देना चाहता हूँ। अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो बोलेगा कितनी मोटी लाइन का बॉर्डर चाहिए, मैं अगर लेता हूँ कितनी मोटी लाइन, ओके करता हूँ। एक किस्म का बॉर्डर आ गया, आप इसके अंदर आप जो चाहो ले सकते हो, पीछे आपका बॉर्डर क्लियर है। बाकी इसको छेड़ों के और ज्यादा इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, 3D बैकग्राउंड है, ये है वन बाय वन सारे ऑप्शन का चेक करो, आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। फिर एक ऑप्शन मेरे पास आता है यहाँ पर लेआउट का, लेआउट में आता हूँ, सबसे पहली चीज दे रहा है मुझे मार्जिन। अब मार्जिन क्या है इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मुझे बताएगा कि मेरे पेज पे कितना मार्जिन रखता हूँ। अगर मैं यूँ देता हूँ ये तो पेज का इतना इसका गायब कर दिया, आप सिर्फ इतने पेज पे पूछिएगा, इस चीज़ को यहाँ से नजर नहीं आएगा आपको, मार्जिन यहाँ से आप देखोगे ये बन रहा है। अगर मैं फिर कर दूँ देखो बिल्कुल पेज पे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है आपको, समझ आ रही बात। इसके अंदर मार्जिन दे रहे हैं, अगर आपको मार्जिन को और डिटेल में समझना आप जाएंगे यहाँ पर, रूम ओपन करेंगे, गूगल पर जाएंगे, एंटर करेंगे, आपके पास मार्जिन की पहले वर्डिंग में डिटेल बताएगा, फिर इसने कुछ नीचे ये वर्ड का उसने यहाँ नीचे डिटेल में बताया ये वाला है, वो सारे लाइन से आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आप किसी भी एक को ओपन करेंगे। मार्जिन आर द ब्लैंक स्पेस दैट लाइन द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये भाई आपने टॉप से क्या बॉटम दे रहे हो, लेफ्ट से राइट से और साइड से, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, ये आपके
डॉक्यूमेंट में आप जो चीज लिख रहे हो उसको कितना मार्जिन देना है, तो ये बता रहा होता है। इसके अंदर आप यहाँ जाओगे ऑप्शन के अंदर, पहले लिंक और ओपन करोगे, कितने यहाँ डिटेल में मार्जिन के बारे में समझाया हो, ये बता रहे हैं मार्जिन वन बाय वन जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। ये इसी के अंदर आगे चलते हैं हम, यहाँ पर मार्जिन में कस्टमाइज मार्जिन भी आए, टॉप से कितना मार्जिन देना है, राइट से कितना देना है, लेफ्ट से कितना देना है, ये मेरे पास कस्टमाइज मार्जिन है। अगर मैं टॉप से बढ़ा देता हूँ टॉप से चार सेंटीमीटर कर देना, आप देखो ऊपर से कितना मार्जिन, तो यही काम है। यहाँ पे जाके राइट साइड से करना चाहूँ, लेफ्ट साइड से करना चाहूँ, इसने सब दिया है। मैं नीचे से तो वैसे ही बॉटम से अभी दिया हुआ मार्जिन, तो मैं इसको लेफ्ट साइड से देना चाहता हूँ मार्जिन, तो उसको यहाँ लेफ्ट साइड से अगर बढ़ा दूँ सेंटीमीटर, देखो यहाँ लेफ्ट साइड से उसको क्या कर दिया मार्जिन, क्लियर है यहाँ तक। मतलब फिर आता हूँ एक ये सिंपल सी चीज़ है पोर्ट्रेट, हमारा ये जो स्क्रीन है जो हमारे पास पेज है अभी उसका व्यू हमारे पास जो है वो क्या चल रहा है पोर्ट्रेट चल रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लैंडस्केप पे, ये मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है। आप जब लैंडस्केप या वो सेट करोगे उसके हिसाब से अपने पेज का मार्जिन सेट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है, जो मैं पेपर लिख रहा हूँ जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ उसका साइज बहुत रहा है। जब आप कोई पेज काम करने के बाद प्रिंट निकालते हैं, आपने पेज पर बहुत अच्छा सारा कुछ बना दिया, जब आप उसका प्रिंट निकालते हैं पेपर हाथ में आता है तो उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि आपने यहाँ पर लैंडस्केप का पेज पेपर सेलेक्ट किया या पोर्ट्रेट में और साइज चेंज है, और आप प्रिंट निकाल रहे हो वो किसी और साइज के पेज पर, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या आएगा प्रिंटिंग में डिफरेंस आएगा। तो उस डिफरेंस को आप कवर करने के लिए यहाँ पर आते हो और आपके पास डिफरेंट बहुत सारे पेज जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, हमारे पास नॉर्मल जो प्रिंट के पेजेस होते हैं वो हमारे पास ए फोर साइज के पेजेस होते हैं, ठीक है। आप इसको पोर्ट्रेट कर लें, इसको पोर्ट्रेट कर दिया और पोर्ट्रेट में क्या हो गया मेरे पास ये हालत में आ गया, और अच्छा ये मार्जिन मैंने दिया है, मैंने मार्जिन दिया है, तो सेटर डिफॉल्ट कर देता हूँ, डिफॉल्ट किया और मार्जिन की तरह फिर उसके बाद आपके पास थोड़ी सी चीजें, यहाँ मैं पैराग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा, पहले तो मैं इसको जूम करूँ और उसके बाद मैं इसको टाइप थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कंट्रोल से, और ये नीचे बटन लिखे हुए आ रहे हैं आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या दबाया, जो बटन से दबाऊंगा यहाँ पर कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया और मैं लेस देन और ग्रेटर देन वाला ये साइन ही दबाया, तो उसने क्या किया मेरे डॉक्यूमेंट को दो कॉलम की शक्ल में लिख दिया। जैसे आप लोग अखबार वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर आपके सामने होता है, आप न्यूज़पेपर देखते हैं एक चीज लिखी गई तो दूसरी उसी के साथ एक, तो वहां पर ये काम हो रहा था न्यूज़पेपर। अब अगर आप इसको बढ़ाना चाहो थ्री कॉलम कर दो, ठीक है ये कर दिया। फिर क्या आपके पास लेफ्ट कॉलम एक आ गया फॉल्स और एक आ गया लेफ्ट कॉलम बढ़ा, यानी कि ये स्टार्टिंग है और वो आपके पास लास्ट पर राइट राइट साइड पर शॉर्ट हो गया इस टाइप होगा। फिर आपके पास मोर कॉलम, मोर कॉलम में आपके पास जो है स्पेसिंग वगैरह है विड्थ वगैरह आप सेट कर सकते हो, कितने कॉलम रखने हैं, तीन कॉलम दो कॉलम, उनकी आप विड्थ सेट कर सकते हो, पहले कॉलम कितना बड़ा हो दूसरा कॉलम कितना बड़ा हो, देख रहे हो यहाँ आपको इसमें दिख रहा होगा, यहाँ इसके अंदर जैसे मैं इसको चेंजिंग करूँगा तो वो आपको दिख रहा होगा, देखो ठीक है वहाँ साइज में फर्क आ रहा है।
तो आप जो अप्लाई करोगे इसके ऊपर बोल दीजिए यहाँ अप्लाई हो। अच्छा अब ये मैंने अप्लाई किया ये तो पूरे कॉलम पर अप्लाई हो जाएगा, नहीं आप जिस चीज को सिलेक्ट करोगे जितने पार्ट को सिलेक्ट करोगे वो उतने पार्ट के लिए वर्क करेगा। अगर आप सिर्फ कितने हिस्से को सिलेक्ट करो और फिर इसको कर दो कॉलम तो सिर्फ कितने से पार्ट को ये कॉलम ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया अब ये पूरे पेज पर यही फॉर्मेट शुरू कर दो, नहीं जितने पेज पर आपने सिलेक्ट किया ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे जाते हैं, एक पेज ब्रेक है जो पहले भी आपको पीछे समझाया। इसे आते हैं यहाँ पर लाइनिंग, कंटिन्यू फिर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या कर दिया पूरे पेजेस को लाइनिंग देना शुरू कर दिया। अच्छा उसके बाद आता है रीस्टार्ट ईच पेज, वन से लेके कहाँ तक किया ये मार के आया कल क्लास में आया कोई ये आ गया स्टार्ट ईच पेज पर किया तो बिल्कुल नए पेजेस पर आ गया। फिर आता है स्टार्ट ईच सेक्शन, अगर आपने अपने पेजेस में सेक्शन बनाए हुए तो उसे अलग सेक्शन से स्टार्ट होगा। अच्छा सेपरेटर पैराग्राफ में क्या है, जिस पैराग्राफ पर आप खड़े हो बिल पर अक्सर ऐसा होता है आपने देखा नंबरिंग चल रही होती है बीच में कुछ पार्ट अलग से छोड़ा हुआ होगा फिर नीचे से नंबरिंग, आप कोई पैराग्राफ छोड़ना चाहते हो जैसे ये एक पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ इसको ये नंबरिंग में ना काउंट करें इसकी लाइनिंग को ना काउंट करें इसको काउंट किए बगैर छोड़ दे तो मैं यहाँ आऊंगा सेपरेटर पर लिखा इसको क्लिक करूंगा इसको घुमा देगा 1 2 3 4 5 सारी लाइनिंग को छोड़ देते हैं 6 7 8 9 10 आगे। क्लियर है यहाँ तक कोई मसला? ये इंडेंट में आपको पहले वैसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन उसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। इंडेंट राइट और लेफ्ट के अंदर वही बात है जो पहले की थी, ये देखो ये वाला काम हमने यहाँ जाके होम के अंदर इंडेंट किया हुआ ठीक है। अभी यहाँ लेआउट में आया हूँ तो लेआउट में अच्छा होम जो हमारा पेज है ना होम पेज होम वाला जो मेन पेज है हमारा ये जो होम पेज है ना इसके अंदर सब जितने भी टैब्स है सबके कुछ ना कुछ पार्ट है ना? कुछ ना कुछ पार्ट हर उसका टैग का हर टेप का कुछ ना कुछ पार्ट इसके अंदर आएगा जैसे ये लेआउट वगैरह की कुछ पार्ट देगा स्पेसिंग के हवाले से देगा एडिटिंग के हवाले से देगा कुछ प्रिंटिंग के हवाले से देगा कुछ कलरिंग के हवाले से देगा डिजाइनिंग के हवाले से देगा ये सब क्यों क्योंकि ये इंट्रो है किसी चीज का होम पेज आपके पास मेन उसका इंट्रोडक्शन पेज होता है जहाँ से आप सारा काम कर रहे हो। फिर जब एक एक ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो वहां पर क्या दिखती है डिटेल नजर आना शुरू हो जाती है ये बात तो वेबसाइट वाले बच्चे और अच्छे से समझेंगे जैसे आप लोग होम पेज बनाते हो ना वेबसाइट में कोई भी होम पेज होता है उसके अंदर अबाउट का कुछ सेक्शन डाल दिया जाता है कुछ ही में और फिर जब अबाउट पे क्लिक कर दिया करते हैं तो नया अबाउट के सेक्शन के अंदर चले जाता है वहाँ अबाउट को और ज्यादा डिटेल से बताता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होम पेज है अच्छा इंडेंट पे अगर मैं आया आ जाऊँ यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ जितने पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा वो इंडेंट होगा ठीक है। मैं इसको अगर सिलेक्ट करना शुरू करूँ मतलब पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस दे और आफ्टर का मतलब पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस दे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ ये देखो बिफोर उससे पहले कितनी स्पेस देनी है किसी चीज को और यहाँ आता हूँ मैं किसी को सिलेक्ट किया मैंने और आफ्टर कितनी स्पेस देनी है। क्लियर है भाई यहाँ तक कोई मसला दिखी दो ठीक है अच्छा जी करना
अच्छा ये भी वही काम है, रैप आपने किस फॉर्म में रखना है, इन लाइन करना चाहते हो, स्क्वायर में रखना चाहते हो, अभी इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट सामने रखे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी पिक्चर है, तीसरी पिक्चर है, अब आप एक पिक्चर को उसके पीछे रख दिया, उसके पीछे दूसरी क्या चीज है उसको आप ब्रेक फॉरवर्ड या ब्रेक फ्रंट कर सकते हो। जैसे आप जिस चीज को सिलेक्ट करके ब्रेक फॉरवर्ड करोगे या फ्रंट करोगे वो चीज सामने आ जाएगी, और सेकंड बैकवर्ड करोगे वो चीज नीचे क्या चली जाएगी, बैक पर चली जाएगी। ठीक है जी, आप आज से इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर जो ऑप्शन बताए वो डिजाइन और लेआउट पर जो ऑप्शन बताया। Thank you.